सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के कॉलर स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, आप ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जब आप कॉल को रिसीव कर लेते हो तो जो ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन है उसको हम कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। अब गाइस, आप बहुत ही इजीली उस स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ में आप अपने फोन के डायलर को कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो मेरे फोन का जो डायलर है, देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके साथ में गाइस, आपको जो कॉन्टैक्ट मिलेगा वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिलता है। इस तरह गाइस, आप पूरे फोन को कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन सब चीजों को कस्टमाइज करना है। इसके लिए गाइस, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है? और आप इन सभी चीजों को बहुत ही इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप अपने कॉलर स्क्रीन को चेंज करके वहां पे आईफोन का कॉलर स्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं, ठीक है? अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है ट्रू फोन, ठीक है? TRUE आपको यहां पर ट्रू फोन सर्च कर लेना है, ठीक है? इस एप्लीकेशन को आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना है। 4.1 की काफी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज्यादा बार यह डाउनलोड किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन से आप अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो, कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन में सेटअप करना है, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में काफी सारे एडवांस फीचर दिए गए हैं, ठीक है? आपको सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहां पे कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने परमिशन को अलाउ कर रखा है। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको इस एप्लीकेशन को हमेशा डिफॉल्ट पे सेट करके रखना है। अगर डिफॉल्ट पे आप सेट करके नहीं रखोगे तो दोस्तों ये आपके फोन में काम नहीं करेगा। काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे फोन में एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। तो सिंपली गाइस, आपको एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पे सेट करना है, तभी एप्लीकेशन रन करता है, ठीक है? अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन से कस्टमाइजेशन करना है। आपको सिंपली यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस, आपको इसको ओपन करना है। अब गाइस, आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शंस फीचर्स मिलेंगे, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस, आपको यहां पे डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आप यहां से डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हो इस टाइम पे लाइट मोड हो चुका था। अब आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलता है थीम का, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे काफी सारे कलर्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे यहां पे आप देख सकते हो ब्लैक, डार्क, लाइट ग्रे, डार्क ब्लू, जो भी आपको पसंद आए आप उस कलर को यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहां पे हमें डार्क करना है तो आप यहां पे देख सकते हो ये डार्क हो चुका है। यहां पे हमें ब्लैक करना है तो हम ब्लैक कर सकते हैं। इस तरह आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी तो हम इसको डार्क ब्लू रहने देते हैं क्योंकि डार्क ब्लू काफी अच्छा लगता है। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको यहां पे डायल पैड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आप यहां से अपने फोन के डायलर को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो डायलर है कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहां पे आप इसके साइज को कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको इस तरह इसको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हो यहां पे जो साइज है वो बड़ा हो चुका है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जितना आपको रखना है आप उसको यहां पे लाके सेट कर सकते हो, ठीक है? यहां पे आप टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इस तरह आप टेक्स्ट के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? आप यहां पे देख सकते हो, इसको आप यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो इस तरह। इस तरह गाइस, आप इस फीचर से डायलर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? आपको यहां पे और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। अब हम बैक आते हैं। अब दोस्तों, आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, फोटोज एंड अवेटर्स, आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों, यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? फोटोज स्टाइल, फोटो कैसा दिखना चाहिए, किस शेप में दिखना चाहिए, ठीक है? जो भी आपको पसंद आए आप यहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइस, आपको यहां पे कॉन्टेक्ट विथ नंबर फोटो, ठीक है? जो नंबर आप सेव करते हो कॉन्टेक्ट पे,
ठीक है, कॉन्टैक्ट के बगल में कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, वल्ली जो अल्फाबेट है वो दिखना चाहिए या फोटो दिखना चाहिए, आप यहां से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां पे टू लेटर कर दोगे तो आप देख सकते हो इस तरह का कॉन्टैक्ट के बगल में दिखेगा। ठीक है, यहां से आप फोटो भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी आपको ठीक लगे यहां से आप उसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह के यहां पे और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद गाइस आपको यहां पे इनकमिंग कॉल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे फोटो स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो जब आपके पास कॉल आएगा तो जो हमारा कॉलर स्क्रीन है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस तरह स्क्रॉल करके कॉल को रिसीव कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको फोटो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पे ये फोटो का स्टाइल देख सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। आप यहां पे देख सकते हो काफी सारे शेप हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए आपको उस पे क्लिक करना है। यहां पे आप देख सकते हो जो शेप है वो चेंज हो चुका है फोटो का। इस तरह गाइस आप फोटो के शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे आंसर का स्टाइल मिलता है। यहां पे ये जो स्क्रॉल वाला स्टाइल है इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आईफोन का पसंद नहीं है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे आपको गूगल पिक्सल का मिल जाएगा, आईफोन का मिल जाएगा, हुवेई का, एसुस का, टू बटन स्टाइल, टू बटन एसएमएस, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम पे आईफोन का सेट है, जैसे यहां पे हमें गूगल का करना है तो गूगल पे आपको टिक करना है, तो कुछ इस तरह का आपको आंसर स्टाइल मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम आईफोन को सेट कर देते हैं जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहां से आप सेटअप कर सकते हो ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन का, जब आप कॉल को रिसीव कर लेते हो तो जो स्क्रीन है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो फोटो है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए उसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे बटन्स हैं, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये छह बटन अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आपको बटन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो ये बटन से ये 3x3 है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 3x4 करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो 3x4 हो गया। इसके बाद अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको 2x3 कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का शेप आ गया। तो जो भी आपको पसंद आए आप यहां से कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये अपने अपने पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आप इस बटन को भी यहां से कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरह। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही इजीली ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, इनकमिंग कॉल स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, डायलर को कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है काफी वर्किंग एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसको यूज करने से पहले इस एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पे जरूर सेट कर देना, तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा। दोस्तों अब चलिए मैं आपको एक बार कॉल करके दिखा देता हूं कि कैसे ये एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है, तो यहां पे हम फोन को लॉक कर देते हैं और दूसरे फोन से इस पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कॉल आने वाला है। आप यहां पे देख सकते हो जो हमारा कॉलर स्क्रीन है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस आप भी अपने फोन के कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, इस तरह आप इस कॉल करके कॉल को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पे ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन को देख सकते हो, देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।